इसका 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3√3x+6=0, और एक्स के यहाँ वैल्यू दिया है 1√3 और एक दिया हुआ है माइनस का 2√3। चलिए पहले एक एक करके दोनों पे देखें। एट एक्स इक्वल टू रूट थ्री हम लोग इसका LHS लेते हैं। RHS में हमें 0 बुलाना होगा ना जी। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x+6। चलिए देखते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 × में √3+6। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ √3 √3 3 3 3 जा 9 और प्लस का 6 6 3 9 और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आ गया, तो 0 आ जा रहा है यानी हमें RHS मिल जा रहा है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू रूट थ्री इज अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन गिवेन इक्वेशन। अच्छा दूसरा हमें चेक करना है एट x इक्वल टू में क्या है माइनस का 2√3। तो इसका LHS लेते हैं। LHS में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x+6, तो हो जाएगा माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3√3 × में माइनस का 2√3 और प्लस का 6। तो यहाँ देखिए क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और √3 में √3 से होगा तो 3, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा और प्लस में 6 सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस 2√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन। ठीक है, समझ गए। चलिए अब